Let's get started with metamorphosis in insects. So what is metamorphosis? Series of changes that take place during the development of an insect from egg to adult are collectively called as metamorphosis. So metamorphosis is derived from Greek word meta, that means change, or morph means structure. मेटामॉर्फोसिस क्या है? एग से लेके इंडिविजुअल तक जो भी चेंजेस आते हैं उसकी फॉर्म में, स्ट्रक्चर में, मतलब जो चेंजेस उसकी बॉडी में आ रहे हैं उसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस. द कंप्लीट लाइफ साइकिल विच इंक्लूड्स ऑल द चेंजेस. और इसमें चेंजेस किस किस बेसिस पे होते हैं? ग्रोथ के बेसिस पे, डिफरेंशिएशन के बेसिस पे एंड बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन. ग्रोथ मीन्स कि एग से वो लार्वा कैसे बन रहा है, मतलब वो ग्रोथ पीरियड है. डिफरेंशिएशन मीन्स लार्वल टू प्यूपल स्टेज, उसके जो बॉडी की डिफरेंशिएशन हो रही है वो किस बेसिस पे हो रही है. एंड द रिप्रोडक्शन इज एट द एडल्ट स्टेज, मतलब एडल्ट में आके वो रिप्रोड्यूस जो है वो फीमेल किस तरह से कर रही है. इन द फॉर्म ऑफ लार्वल, प्यूपल एंड एडल्ट स्टेज. लार्वल जो है वो ग्रोथ पीरियड में आएगा, प्यूपल जो है वो डिफरेंशिएशन में आएगा, और एडल्ट जो स्टेजेस हैं दैट मीन फॉर द रिप्रोडक्शन. नेक्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ मेटामॉर्फोसिस. सो मेटामॉर्फोसिस रेफर्स टू द चेंज इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. सिमिलर मतलब जो एग से लेके जो अडल्ट बनने तक जो चेंजेस आती हैं उसकी फॉर्म या स्ट्रक्चर में, उसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस. इंसेक्ट्स डिफर इन द नंबर एंड टाइप ऑफ दीज डेवलपमेंट स्टेजेस. इतने सारे इंसेक्ट की स्पीशीज़ हैं, सब में ये मेटामॉर्फोसिस है जो वेरी करता है. सब इंसेक्ट की स्पीशीज़ हैं जो उसमें जो मेटामॉर्फोसिस का लाइफ साइकिल है वो अलग अलग है. किसी भी इंसेक्ट में सेम नहीं होता, इवन इन द सेम स्पीशीज. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस. फर्स्ट वन इज ए मेटामॉर्फोसिस, ए मेटाबोला, हेमी मेटाबोला, पैरो मेटाबोला, होलो मेटाबोला एंड हाइपर मेटाबोला. फर्स्ट वन इज ए मेटाबोला. ए मेटाबोला रिप्रेजेंटेड दैट द एब्सेंस ऑफ मेटामॉर्फोसिस, मीन्स जिसमें क्या है, जो मेटामॉर्फोसिस है वो कम्प्लीटली नहीं होती, एब्सेंस होती है. सो है क्या ये? प्राइमरली विंगलेस इंसेक्ट्स. विंगलेस इंसेक्ट अभी मेटामॉर्फोसिस नहीं हो रही, तो दैट मीन्स उसमें क्या है, जो विंग्स है वो एब्सेंट है. जो ये वाले इंसेक्ट्स होंगे ना, ए मेटाबोला, फॉर एग्जाम्पल इन सिल्वर फिश, उसमें क्या होगा, जो विंग्स है वो नहीं ग्रो कर पाएंगे. सीधा सीधा क्या स्टेजेस बनेंगी? एग, लार्वल एंड एडल्ट. और जब एग से सीधा लार्वा बनेगा तो लार्वा भी किस फॉर्म में होगा? एडल्ट की फॉर्म में. दैट मीन्स देर इज़ नो एनी काइंड ऑफ मेटामॉर्फोसिस, और ना उसमें ग्रोथ हुई है ना ही डिफरेंशिएशन. तो दैट इज़ कॉल्ड ए मेटाबोला, एब्सेंस ऑफ मेटामॉर्फोसिस. फॉर एग्जांपल इन सिल्वर फिश, एज यू ऑल कैन सी इन द डायग्राम. सेकेंड वन इज हैमी मेटाबोला. फ्रॉम द नेम हैमी इट इज़ क्लियर दैट हैमी इज़ हाफ. जो मेटामॉर्फोसिस है वो हाफ तरह की होती है, इनकम्प्लीट, नॉट ए कम्प्लीट, दैट इज़ इनकम्प्लीट. फॉर एग्जाम्पल इन ड्रैगन फ्लाई, द एग्जाम्पल इज शोन इन द फिगर. डेम्सल फ्लाई एंड मे फ्लाई, दिस इंसेक्ट ऑल्सो हैव थ्री स्टेजेस इन देयर लाइफ. थ्री स्टेजेस तो हर एक स्टेज में होती हैं, एग, लार्वल और प्यूपल एंड ऑल्सो लास्ट में एडल्ट. बट जब इनकम्प्लीट और बिल्कुल ही एब्सेंस ऑफ मेटामॉर्फोसिस की बात आए तो स्टेजेस क्या आ जाती हैं? एग, यंग वन एंड एडल्ट. एग के बाद क्या बनता है? यंग वन, मतलब जो लार्वल और प्यूपल की स्टेजेस हैं वो डायरेक्ट डेवलप्ड किस चीज़ में होती हैं? एडल्ट में. तो लास्ट में वो एडल्ट की फॉर्म में ही रहता है. द यंग वन आर एक्वेटिक एंड आर कॉल्ड नीड्स. और जो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में जो यंग वन होता है ना, उसको बोलते हैं नीड्स. दो होते हैं, एक तो निम्स होता है और एक नीड्स होता है ना, एक है नीड्स. दे आर डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट इन हैबिट एंड हैबिटेट, और दे आर यूजुअली डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट. जो मतलब उनका जो फॉर्म और स्ट्रक्चर होता है वो एडल्ट की तरह ही दिखता है, बट डिफ्रेंशिएट करते हैं किसमें? हैबिट और हैबिटेट में. दे ब्रीथ बाय मीन्स ऑफ ट्रेकियल गिल्स. अब ऑब्वियसली दे आर द एक्वेटिक, सो दैट मीन दे आर एस्पायर्स टू द ट्रेकिया. इन ड्रैगन फ्लाई नीड द लोअर लिप लैबियम इज कॉल्ड मास्क विच इज हिंग्ड एंड प्रोवाइडेड विद द हुक्स बाय कैप्चरिंग प्रे. उनके लिए अगर वो जो लोअर लिप है इज कॉल्ड मास्क विच इज हिंग्ड एंड प्रोवाइडेड विद हुक्स. उनमें क्या होती हैं? छोटी छोटी हुक्स लगी होती हैं, सो दैट दे कैन ईजीली कैप्चर द प्रे. आफ्टर फाइनल मोल्ट, जब उनका फाइनल मोल्ट होता है, द इंसेक्ट्स आर फुली डेवलप्ड विंग्स सुटेड फॉर द एरियल लाइफ. अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे जब वो
मोल्टिंग स्टेज से बाहर आ रहा है तो क्या हो रहा है, जो इंसेक्ट है वो डेवलप करने स्टार्ट कर देता है विंग्स, नॉट प्रॉपर मैनर में बट इन स्मॉल केस. तो जो विंग्स है वो क्या करते हैं, एरियल लाइफ उसकी जो है वो अराइज करते हैं. एरियल लाइफ मीन्स उड़ना, उसके लिए थोड़ी सी संभावना उड़ने की हो जाती है. थर्ड वन इज पैरोमेटाबोला, मीन्स ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस. अब इनकम्प्लीट बग के बाद आ गया ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस. इसमें क्या है, ग्रेजुअल मतलब स्लो मेटामॉर्फोसिस हो रही है. स्लो मीन्स सेम. एग्जांपल कॉकरोच, ग्रासोपर और बग्स. द यंग वन आर कॉल्ड निम्फ्स. इसमें क्या आ गया, यंग वन निम्फ्स. दे आर टेरेस्ट्रियल एंड रिजेंबल द एडल्ट्स इन जनरल बॉडी फॉर्म एक्सेप्ट द विंग्स एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया. दे आर टेरेस्ट्रियल, ये ज़मीन पे होते हैं और क्या करते हैं, इस एडल्ट को रिजेंबल करते हैं. जनरल बॉडी फॉर्म, जो उनकी बॉडी होती है वो क्या करती है, एडल्ट को रिजेंबल करती है एक्सेप्ट विंग्स और किसके, एक्सटर्नल जेनिटेलिया के. मतलब जो विंग्स हैं वो रिजेंबल नहीं करते और जो जेनिटेलिया है वो नहीं करते. जेनिटेलिया मीन्स द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल. अंदर कंपाउंड आई माउथ पॉड्स आर सिमिलर टू दैट ऑफ एडल्ट. बाकी की जो फॉर्म और स्ट्रक्चर है वो उसकी वो सिमिलर होगी एडल्ट से. लेटर इन स्टार नेम्स क्लोजली रिजेंबल द डर्ट विद सक्सेसिव मॉल्ट्स. बट जब जब जैसे जैसे अकॉर्डिंगली प्रोसेस आगे बढ़ती जाती है आफ्टर द मॉल्टिंग, द नेम्फ इज क्लोजली लेटर टू द रिजेंबल टू द एडल्ट विद सक्सेसिव मॉल्ट्स. मॉल्ट्स क्या होती है, शेडिंग ऑफ ओल्ड क्यूटिकल. अब होलो मेटाबोला, वॉट इज होलो मेटाबोला, इंसेक्ट एग्जिबिटिंग फोर डेवलपमेंट स्टेजेस, दैट इज एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट. दीज आर द फोर स्टेजेस विच इज नॉर्मली अकर इन ऑल द इंसेक्ट्स, बट द लाइफ हिस्ट्री इज डिफरेंट इन ऑल द इंसेक्ट्स. दैट इज कॉल्ड आर कंसिडर्ड टू एग्जिबिट कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस आर कॉल्ड होलो मेटाबोला. मतलब जिसमें ये अकर करती हैं फोर स्टेजेस, प्रॉपर एग भी है, लार्वा भी है, प्यूपा भी है एंड एडल्ट भी है, दैट इज कॉल्ड द कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस. फॉर एग्जाम्पल इन बीज, बीटल्स, बटरफ्लाइज, मोथफ्लाइज एक्सेट्रा. यू कैन लुक एट दिस डायग्राम. दिस इज एग, लार्वा, प्यूपा एंड फाइनली द एडल्ट. दिस इज कॉल्ड ए कम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, जिसमें एग भी है, उसके बाद प्रॉपर वे में लार्वा भी बन रहा है, फिर लार्वा से प्यूपा बन रहा है और प्यूपा के बाद जो है फाइनली इंडिविजुअल जो है एडल्ट वो बन रहा है. दीज आर द सम डायग्राम्स ऑफ कम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस. दिस इज अ होलो मेटाबोलस डेवलपमेंट्स, एग, लार्वा, प्यूपा एंड लास्ट adult. These are the example of some insects. A metabolous development, hemimetabolous development and the holo metabolous development. Ab hyper metamorphosis, this is a peculiar type of development which consists of two or more types of form of larva in the life cycle of insect. Ab isme kya hai, hyper means jo zyada quantity mein hota hai, aur kya hai ki larval ki jo stages hai wo do se zyada hoti hai. In majority of cases the first larval instar is campadioform and the subsequent larval form depend upon the type of mold. Jisme kya hai, jo first larva banega wo campadioform type ka hoga aur jo second larva hoga wo depend karega uski जो स्टेजेस और मोड ऑफ लाइफ के. एग्जांपल इन ब्लिस्टर बीटल बिलोंगिंग्स टू फैमिली कॉलियोपटेरा, ऑर्डर कॉलियोपटेरा, द फर्स्ट लार्वल स्टार इज कंपैटिबल फॉलो बाय द स्कैरियोबॉर्म फॉर्म लार्वल टाइप. थैंक यू.